दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिजली विभाग भर्ती की जानकारी लेके आए हैं। बड़ा मौका है, ऑल इंडिया के मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 42 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा इस भर्ती के अंतर्गत और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2019 है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए 92,965 तक पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा और कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। स्टेप वाइज पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में भर्ती निकली है। बिजली विभाग की ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की, एई की भर्ती है। सैलरी की बात की जाए तो 60,155 से 92,965 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए डिग्री इंजीनियरिंग में होना अनिवार्य है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जिस डिसिप्लिन में भर्ती निकली है उसमें आपका इसमें भी बीटेक होना अनिवार्य है। आयु की बात की जाए तो मैक्सिमम आयु 42 वर्ष है। जॉब लोकेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 700 रुपये है। एससी एसटी बीसी और पीएच जो आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं उनके लिए 200 रुपये है। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पे कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के माध्यम से, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है apeasternpower.com। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 17 फरवरी 2019 से और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 मार्च 2019 है। तो चलिए दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हो, ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ एपी लिमिटेड आंध्र प्रदेश की भर्ती है। जी हां दोस्तों, अप्लाई कहीं से भी कर सकते हो, मेल या फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 15 वैकेंसी इस भर्ती के लिए निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल के लिए भर्ती निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन इस भर्ती के लिए मंगाए गए हैं apeasternpower.com या फिर aprecruitment.aptonline.in/apedpdcl। यहाँ पर ये इसका पोर्टल दिया है, या तो इससे या फिर इससे आप ऑनलाइन कर सकते हो 17 फरवरी से 5 मार्च 2019 तक। फीस भी पेमेंट कर सकते हो 5 मार्च 2019 तक, दोपहर 1 बजे तक आप फीस भी पेमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप वैकेंसीज की पूरी जानकारी देख सकते हो। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है। सबसे पहले ओसी के लिए आप देख सकते हो, जो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की भर्ती निकली है। ओपन के लिए इसमें 2 है, लोकल के लिए 3, टोटल 5 वैकेंसीज है। ओसी डब्ल्यू के लिए इसी तरह 2, लोकल के लिए तो टोटल भी 2 ही वैकेंसी है। ओसी पीएच और ओएच के लिए टोटल 1 वैकेंसी निकली है। बीसीबीडब्ल्यू के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। BCCW के लिए भी 1 वैकेंसी है। BCDW के लिए भी 1 वैकेंसी है। इसी तरह BCEW इसके लिए भी 1 वैकेंसी है। SC के लिए 2 वैकेंसीज है। STW के लिए 1 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 15 वैकेंसीज है। W की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म वोमैन है। जी हाँ दोस्तों, वोमैन और मैन दोनों के लिए वैकेंसीज निकली है। साथ साथ यहाँ से आप लोकल या फिर ओपन के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हो। डिटेल्स पूरी इसमें यहाँ पर दी गई है। OH के लिए भी आप यहाँ से पूरी डिटेल्स इसकी चेक कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आयु से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। मैक्सिमम आयु 42 वर्ष है। आयु की गणना 1/7/2018 से की जाएगी। या दोस्तों, 5 साल की छूट इसमें एससी एसटी बीसी कैंडिडेट्स को दी गई है। इसमें आने के मैक्सिमम आयु 47 वर्ष है इनके लिए, और 10 साल की छूट इसमें पीएच कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि इनके लिए 52 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। साथ साथ यहाँ से आप देख सकते हो, और भी कंडीशंस है एज से रिलेटेड जो आप पूरा यहीं से चेक कर सकते हो। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो इसके लिए डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर और भी कंडीशंस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दी गई है जिनको आप यहीं से रीड कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए फी की, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एससी एसटी बीसी के लिए यहाँ पर जो कम्युनिकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट के, उनके लिए 200 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, फीस आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स में दी गई है। पीएचई सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 200 रुपये, और साथ साथ यहाँ पर और भी कंडीशन जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपये यहाँ पर फीस दी गई है, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। फीस यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑनलाइन आपको जमा करनी होगी।
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से सिलेक्शन होगा इसमें आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न एग्जामिनेशन के माध्यम से यहाँ पर पूरी डिटेल्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी इसी में दी गई है, आप यहीं से पूरा रीड कर सकते हो। साथ साथ यहाँ से आप क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हो रिटर्न एग्जाम के लिए, उसी के लिए 40% है, बीसी के लिए 35% है, एससी एसटी के लिए 30% है। और साथ साथ यहाँ पर जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस भी आप इसी पेज से चेक कर सकते हो, ऑल टिकट की जानकारी भी यहाँ पर देख सकते हो। 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा इसके ऑफिशियल पोर्टल से। एडमिट कार्ड के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जामिनेशन डेट मार्च 2019 यहाँ पर रखी गई है, इसमें इसकी टेंटेटिव डेट घोषित की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर भी आप देख सकते हो जो कि यहाँ पर विशाखापट्टनम में इसका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो सैलरी यहीं पर 60,155 से शुरुआती वेतन है और 92,965 तक इसमें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आप यहाँ से देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जैसे आप इस पेज को और स्क्रोल डाउन करोगे यहाँ तो यहाँ पर एक्सक्यूजन ऑफ बॉन्ड यहाँ से आप चेक कर सकते हो। साथ साथ इस पेज को जैसे आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो अप्लाई का पूरा प्रोसीजर दिया गया है, ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी दी गई है कि कैसे आप फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर सकते हैं। फोटो आपको 50 KB तक यहाँ पर अपलोड करने होंगे और सिग्नेचर यहाँ पर 30 KB तक आपको अपलोड करने होंगे। साथ साथ JPG फॉर्मेट इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। SSC या 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट की डिटेल्स और 4th से यहाँ पर 10th क्लास स्टडी डिटेल्स, आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको इसमें डालनी होगी, PH सर्टिफिकेट डिटेल्स और सर्विस डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी होगी। यहाँ दोस्तों उसके बाद यहाँ पर बी करके आप और भी डिटेल्स देख सकते हो। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कैसे कैसे आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ओपन करनी होगी जो यहाँ पर दी गई है। इसको ओपन करने के बाद कैरियर्स या करंट ओपनिंग सेक्शन के अंतर्गत ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट स्टेटस चेक करना होगा, उसके बाद आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना होगा फीस जमा करने के बाद, उसके बाद आपको लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा सबमिट करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आप सिंपली इस पर सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन फॉर्म। फी पेमेंट की भी जानकारी यहाँ पर देख सकते हो कैसे कैसे आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको फीस ही पेमेंट करना होगा इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत। पेमेंट रजिस्टर ID वगैरह सब आपको यहीं पर दी गई है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की कैसे कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है। अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पूरा यहाँ पर ध्यानपूर्वक भरना होगा जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और जो जो डिटेल्स उसमें मांगी गई है उसको पूरा भरने के बाद में सेव करना होगा, उसके बाद फाइनली सबमिट कर देना होगा। तो ऐसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ऑनलाइन करने में, कोई भी प्रॉब्लम है टेक्निकल, तो इसके लिए आप हेल्प डेस्क नंबर यहाँ से चेक कर सकते हो 0891 2579797। इस पर अभी आप कॉल करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो ऑनलाइन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो। 10 बजे सुबह से आप देख सकते हो दोपहर 1 बजे तक, और साथ साथ 2 बजे दोपहर से शाम 5:30 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। साथ साथ ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 17 फरवरी थी, और लास्ट डेट ऑनलाइन करने की साथ साथ फीस यहाँ पर 5 मार्च 2019 है। जी दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पूरा रीड कर सकते हो। इनको यहाँ पर आपको अप्लाई करने से पहले जरूर पढ़ना होगा, तभी आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। जी दोस्तों, यहाँ से आप और भी इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस भर्ती से रिलेटेड, वो यहीं से आप चेक कर सकते हो। जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेबस पूरा डिटेल्स में दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। जी दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के लिए आप ये देख सकते हो सबसे पहले यहाँ सिलेबस पूरा रीड कर सकते हो। कंट्रोल सिस्टम के लिए भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी आप यहाँ से पूरा सिलेबस रीड कर सकते हो, और साथ साथ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप यहाँ से पूरा सिलेबस रीड कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स के लिए आप यहाँ से पूरा सिलेबस आसानी से रीड कर सकते हो। या दोस्तों, आप ये पूरा सिलेबस वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, नहीं तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और ये PDF डाउनलोड करने के बाद आप यहीं से सिंपली एग्जाम सिलेबस रीड कर सकते हो। मॉडल क्वेश्चंस भी आप यहाँ से पूरे रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 नंबर 2 सभी क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हो, ऐसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप यहाँ से अप्लाई करने से पहले पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले या फिर एग्जाम देने से पहले आप ये एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, तभी आप सिंपली एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी इसकी पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF। अगर आपको भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और इस पेज पर पहुंचकर इस पेज के एंड में यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी, जिसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते
सकते हो। और साथ साथ यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन की टैब भी दी गई है, जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप स्टेप वन में आपको फी पेमेंट करना होगा, स्टेप टू में आपको यहाँ पर पेमेंट स्टेटस, और स्टेप थ्री में आपको पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना होगा, स्टेप फोर में आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद में प्रिंट एप्लीकेशन लेना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। साथ साथ यहीं पर इंस्ट्रक्शन की टैब भी दी गई है, अप्लाई करने से पहले आप ये इंस्ट्रक्शन भी ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें आपको पूरी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी, आप यहीं से ऐसे ही ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी। बिजली विभाग की इस भर्ती पर अप्लाई जल्द से जल्द कर दीजिए, 5 मार्च इस भर्ती की अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।